हेलो फ्रेंड्स, खापेलो किचन में मैं भारती भावसार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आम का अचार बनाएंगे, ये पानी वाला आम का अचार बनाएंगे और जो बिल्कुल कच्ची कैरियाँ होती है उससे बनाएंगे। तो ये मैंने आधा किलो से तीन पाव के समथिंग कैरी है, ये 750 ग्राम के समथिंग कैरी है ये, और मैंने इसको छील लिया है और इसकी गुठलियाँ जो हैं बहुत ही सॉफ्ट है तो बीच में से काट लिया है, तो इस टाइप से मैंने कलियाँ कर ली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। इस टाइप से मैंने काट लिया है और अब मैं आधा कटोरी सरसों या राई आप कुछ भी ले सकते हैं, और आधा कटोरी सौंफ लिया है, आधा कटोरी नमक लिया है, 2 चम्मच भर कर मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हैं। और अब मैं इसको एक मिक्सर जार में डाल दूँगी। इसको हमको दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये मैं सारा पाउडर इस मसाला जो है मिक्सर जार में डाल देती हूँ और हींग भी डाल देती हूँ इसमें। और अब हम इसको पहले सूखा हल्का दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। अब हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे और हल्का सा ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल आधे से भी कम मिनट के लिए। और इसके बाद फिर से मैं 1 कटोरी पानी और डाल दूंगी, टोटल 2 कटोरी पानी डल जाएगा और पेस्ट ये दरदरा ही रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा बढ़िया सा अचार का मसाला बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको जो मैंने कैरियाँ काटी थी उसमें डाल देते हैं। तो ये इंस्टेंट अचार बनकर रेडी हो गया है और ये आप 2 दिन में तैयार हो जाएगा। थोड़ी जो कैरी और राई है इसमें अच्छा सा खट्टापन आ जाएगा। आप चाहे तो 1 दिन इसको धूप में भी रख सकते हैं। और अब मैं इसमें एक छौंक डाल दूंगी जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है छौंक के लिए, इसमें मैं सरसों का तेल डाल देती हूँ, करीब 3 से 4 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसको गरम कर लेते हैं तेल को। इसमें हम मेथी डाल देते हैं सबसे पहले 1/2 चम्मच के करीब, 1/2 चम्मच ही सौंफ डाल देते हैं, 1/2 चम्मच राई डाल देते हैं और अच्छे से क्रैकर आ जाए और गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हल्का गुनगुना होने देंगे, उसके बाद ही इस अचार में डालेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, देखते रहिए, अभी थोड़ा गुनगुना रहना है। और अब मैं इसमें विनेगर डाल देती हूँ पहले और लास्ट में इसका छौंक डालेंगे जब तक कि वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये 2 ढक्कन या 2 चम्मच मैंने विनेगर डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और ये ख़राब भी नहीं होगा जल्दी। आप इसको 1 दिन की धूप में रख कर खा सकते हैं और अचार बढ़िया सा तैयार हो जाएगा। और ये इधर हमारा जो छौंक किया था हमने, तड़का बनाया था, इसमें अब हम डाल देते हैं, ये गुनगुनाई है अभी बस। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे, ये हमारा अचार बनकर रेडी हो गया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पानी वाला अचार आपका रेडी हो गया है।